मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आर9 टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल उपलब्धियों भरा रहा है। क्या कुछ कहा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार 2.0 का आज एक साल पूरा हो चुका है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो एक साल केंद्र सरकार का हो चुका है जो दूसरा चरण था, किस रूप में देखते हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ इन 6 सालों में और केंद्र में पूरे देश में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनका ये एक साल का ये कार्यकाल उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है। जिसमें प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर से धारा 375A/35 से हटाना, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाना, एक दूसरा प्रदेश अलग से गठित हुआ लद्दाख, और साथ ही साथ इस दौरान विकास की कई योजनाएं आगे बढ़ाई गई और इसी दरमियान कोरोना महामारी का संकट भी आया जो वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने की लिया है और विशेष रूप से जो विकास की अगली कतार में खड़े होने वाले देश अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस बुरी तरीके से प्रभावित हुए। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे विश्व के नायक के रूप में उभर के आए। उन्होंने भारत ने पूरी तरीके से उस पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई। तो ये हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर पर कहा कि ये उपलब्धियों की सरकार रही है, कल्याणकारी योजनाओं की सरकार रही है। कमल सनामी साहनी के साथ गगन मिश्रा, 9 टीवी उत्तर प्रदेश।